अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। आज बच्चों देखिए, हम ये 22 चैप्टर जो है वो हम पढ़ रहे हैं, ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र में आजीविका। ठीक है, इसमें देखिए हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं शिखर के बारे में, कि अभी इससे पहले एक जो रामवती है उनकी कहानी थी कि वो कैसे मतलब अपना जो लिवलीहुड है, कैसे अपने ग्रामीण क्षेत्रों में अपना गुजारा जो है वो चलाती हैं, खाना पकाती हैं, कपड़े धोती हैं, सफाई करती हैं, औरतों के साथ जंगल से लकड़ी काट लाती हैं, और उनके जो पति हैं वो घर का सामान साग सब्जी खरीदने में उनकी मदद करते हैं, बेटियाँ हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी उसमें बताई। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शेखर के बारे में। हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ जमीन है और हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूँ। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है और इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचूं तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। तो इसीलिए जो व्यापारी है, व्यापारी ने किसानों की याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है और जिन किसानों ने उधार लिया है वो उसी को अपना धान बेचे। मुझे अपने खेत में 60 बोरी धान मिलेगा। इनमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में लग जाएगा, लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वो सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है। इसलिए मुझे और पैसा कमाने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए मैं राजकुमार के चावल के मिल में काम करता हूँ और वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उनकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है, उसका दूध हम यहीं की सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। कर्ज लेने पर हम पढ़ चुके हैं कि कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीजें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा जो है वो बीज, खाद, कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते और फसलों को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। बारिश पूरी नहीं होने पर फसल खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते और कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज लेने के तौर पर लेना पड़ता है। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वो उसे चुका नहीं पाता, और इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या तक कर ली है। भारत के खेतीहर मजदूर और किसान। जगतपुर गांव में रामवती की तरह के खेतीहर मजदूर हैं, शेखर की तरह छोटे किसान हैं और राजकुमार जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरे के खेतों पर निर्भर रहते हैं और इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को ले तो उनकी जरूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों का यही हाल है और भारत में केवल 20% जो किसान हैं वो राजकुमार जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव की अधिकतर भूमि पर खेती करते हैं, और जैसे जगतपुर में होने वाली खेती के बारे में आपने पढ़ा, ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में पढ़ा, महुआ बीनने का काम हुआ, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने का काम हुआ, शहद निकालने का काम हुआ, इसमें व्यापारियों को बेचने जैसे काम के अतिरिक्त आय में भी मदद मिल जाती है। ठीक है, दूध है जैसे आजीविका कमाने के बहुत काम आता है। मछली पकड़ने में लगे हुए हैं कुछ लोग जो समुद्र के किनारे पे रहते हैं। ठीक है, तो ये उनकी आजीविका का मेन सोर्स है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बच्चों देखिए, आज के लिए आपका होमवर्क है, आपको ये खुद से सर्च करने की कोशिश करनी है और इसके राइट आंसर जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाए जाएंगे जब आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपको बच्चों देखिए बहुत ध्यान से ये कंटेंट पढ़ना है ताकि आप ये खुद से ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप खुद से ढूंढेंगे तो आपको चैप्टर भी अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगा और अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।